बाकी देखते हैं कैसा सफ़र रहता है अपना, कैसा नहीं रहता है। सो नाउ अभी मैं जा रहा हूँ बोर्ड करने के लिए। एक्चुअली अभी तो करीब करीब 1.5 घंटा बाकी है मेरी फ़्लाइट को, तो सोचा क्यों ना यहाँ पे ब्लॉक कर लूँ। एक्चुअली ब्लॉक पहले करने वाला था, लेकिन वो हुआ कि जब अब आप अंदर एंटर करते हो आपको बोर्डिंग पास लेना था। सबसे पहले बोर्डिंग पास लेने के बाद आपका इमिग्रेशन होता है, एंड देन इमिग्रेशन के बाद आप जाते हैं सिक्योरिटी चेक से। तो इमिग्रेशन में वो थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, बट मेरे साथ कुछ भी नहीं पूछे। एंड पासपोर्ट दिया एंड देन जस्ट यू कैन गो। आई एम लाइक सीरियसली, अरे हाँ। बट वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो आई एम कंपैटिबल विद इट। बट मैंने उनसे पूछा कि आप क्या सबसे इंग्लिश में बात करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, डिपेंड करता है कि पैसेंजर कैसा है। अगर उसे हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर आप आ रहे हैं और अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है आपसे, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, वो हिंदी में, या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो फिर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो उनका अलग कैबिन होता है। सो नाउ मेरा बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। एंड हाँ, एक आपको इन्फॉर्मेटिव बात बता दूँ, यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होती है वो 3 भाषा में की जाती है, एक हिंदी, एक इंग्लिश एंड एक उस देश की भाषा जिसमें आप फ्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं अभी दुबई में फ्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ की लैंग्वेज में एक अनाउंसमेंट की गई है। अभी हिंदी में हो रही है, इससे पहले इंग्लिश में हुई थी, देन दुबई की जो लोकल भाषा है उसमें होगी। सो मेरी फर्स्ट फ्लाइट है इंटरनेशनल, तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा एयरपोर्ट पे, बट बाकी का जो भी रहेगा आपको दुबई उतर के ही दिखाऊंगा। देखता हूँ अगर प्लेन में कुछ कर पाया तो, बाकी दुबई में मिलते हैं। लेकिन दुबई में बहुत मज़ा, सारे ब्लॉग्स देखना पक्का, दुबई सीरीज़ पूरी देखना, प्ले लिस्ट में बना दूंगा इसकी एक। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट बोर्ड इन माई प्लेन, एंड अभी बोर्डिंग चालू हो चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना प्लेन नहीं दिख रहा है। मैंने गो एयर से तो बुक नहीं किया, मैं ग्रीन डे फ्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है गो एयर खड़ा। ओ डेट वे, आई नीड टू गो दिस वे। हमेशा एयरपोर्ट भरा लगता था, लेकिन लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब भी भरा हुआ था। जब मैं उदयपुर फ्लाई किया था, मैंने जेट एयरवेज से किया था। एंड अब की बार मैंने जो सोचा था वो हो रहा है कि मैं ड्रीमलाइनर से फ्लाई करूँ। स्वागत हो चुका है, मज़ा आ गया यार फ्लाइट मोड के। 2018 में मेरी 2 जर्नीज हो चुकी हैं एयरलाइंस में, मतलब हाँ मैं 2 बार फ्लाई कर चुका हूँ। इस ट्रिप में मेरे को कंपनी कर रहे हैं मेरे मामा, जो डायरेक्ट यूके से यहाँ पे आए हैं, एंड मैं इंडिया से आया हूँ। एंड गेस व्हाट यार, मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट और मैं अकेला आया हूँ। ऐसे एक्सपीरियंस मिलने चाहिए ज़िंदगी में यार, मैं कहूँ सबको मिलने चाहिए, मज़ा आता है। अब जाना है, बैगेज रिक्लेम करना है, इमिग्रेशन एंड ऑल। मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, यहाँ पे जब आप टर्मिनल उतरते हैं, जैसे मैंने अभी लैंड किया है टर्मिनल नंबर 1 पे, तो शायद बाकी सब का भी ऐसा सिस्टम है। यहाँ पे आपको यहाँ से जब बैगेज रिक्लेम करना है, आगे जाना है, तो इंटरनल मेट्रो टाइप एक ट्रेन इन्होंने शुरू करी हुई है, उसमें से होके आपको निकलना होता है। मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा, देन उसके बाद आगे काउंटर पे जाऊंगा, इमिग्रेशन एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी। मैंने पता किया था IGI एयरपोर्ट पे जब मैं जा रहा था, तो बस यही सब है। बाकी बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, एमिरेट्स है, एमिरेट्स के शहर में होता है, एमिरेट्स दिखेगा ना, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए बाहर निकल के ब्लॉगिंग करेंगे। अभी लगेज उठाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। We'll be right back.
के बैगेज रिक्लेम भी ज़्यादा सामान ही लेके आया, लाना भी नहीं चाहिए, कम सामान लेके ट्रैवल करो अच्छा रहता है। मुझे जाना क्या देखा है, हाँ एग्जिट है। सो मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, सारा लगेज है साथ में सब हैं, एंड गेस व्हाट, वी हैव हायर्ड अ कार एंड छोटी मोटी कार नहीं, दैट्स आवर बीस्ट, वी हायर्ड अ डॉज। टैक्सी में घूमेंगे यहाँ वहाँ घूमेंगे, क्या फ़ायदा, सच अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमो ना यार, खुद ड्राइव करो जहाँ मर्जी जाओ, ज़्यादा मज़ा आता है। चलते हैं इसमें, एक्सपीरियंस देखते हैं इसका यार आज। दस टू पावर कार पूछ जाता हूं मैं आगे, कैन कंट्रोल माय सेल्फ। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कल ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, हमने गाड़ी हायर करी थी उसके बाद घूमने गए, हमने यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट किया विच इज़ दुबई मरीना नियर पाम जुबेरा। सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, एंड देयर स्विमिंग पूल, वहाँ पे भी नहा के आए थे हम, सारा कुछ किया हमने, बाकी रात को बहुत मस्ती करी, घूमे फिरे गाड़ी लेके बहुत डॉज में डॉज चार्जर, बड़ी मस्त गाड़ी एक्चुअली, आई लव मसल कार्स हैं। आज देखते हैं किधर जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, बस चलते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से। हम खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे, दिस इज़ अल बर्शा, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन हैव ग्रेट फूड एट सच अ चीप प्राइस, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कल सबवे में 3 सब्स खाए थे एंड वो ओवरऑल हमें 60 डिरहम्स के पड़े थे। हमने कल रात को जब डिनर किया था यहीं पे सेम प्लेस, तो हमने इंडियन क्यूजिन खाया था पूरा, तो इट कॉस्ट अस अराउंड समथिंग 30-35 डिरहम्स, तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर आप आ सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात का टेम्परेचर बहुत डाउन था अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस, और अभी आई गेस मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बहुत तेज धूप है। मैंने एक और अच्छी बात यहाँ पे लगी जो मेरे को, कि यार इंडिया में जब व्लॉग कर रहा था सब हर कोई ऐसे घूर घूर के देखता है क्या कर रहा है क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉगिंग राइट, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट ब्लॉगिंग हियर, यू नो सबको पता है कि हाँ व्हाट आर ब्लॉग्स आर लाइक। सो अभी पहले जाके कुछ खाते हैं, पेट भरते हैं, उसके बाद बाकी के ब्लॉग करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैंने सुबह से क्या खाया, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, चलते हैं यार कुछ खाते हैं जाके पहले, ठीक है। सो वी आर हेयर एट मॉल ऑफ एमिरेट्स, काइंड ऑफ सुपर मार्केट, एंड बाइंग सम स्टफ, लाइक हमने क्या क्या खरीदा है अभी, ऑयल हमने ऑयल खरीद लिया, शुगर, बीन्स एंड मसाले थोड़े से, एंड पता नहीं क्या क्या, तो अभी ये सब खरीद रहे हैं, और आधा दिन तो निकल चुका, तो कहीं जाने का प्लान तो है नहीं, अब बस शाम को बुर्ज खलीफा जाएंगे, फाउंडिंग शो देखेंगे, लाइट शो देखेंगे। हेयर यू हैव ब्रेकिंग ऑप्शंस फॉर एग्स फ्रॉम हेयर टू देयर आर नॉट ए सो मच, मतलब इतने तरह के अंडे छाटे कैसे इन लोगों ने यार, दाल खरीद ली, चावल खरीद लिए, रोटी खरीद ली, सब्जियां खरीद ली, यार मान लिया अपार्टमेंट रेंट किया है, घर थोड़ी बसाना है यहाँ पे, देख रहे हो
कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक भर चुका है। अभी और अभी बात चल रही थी कि बड़ी ट्रॉली लेके आया। So we are back to our apartment and let me give you a quick room tour. Room tour? Flat tour. जब अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले the shoe rack, then here's a bathroom. That's how it looks like. Hello internet. And this is our living room. Sofa set, and this is an open kitchen, microwave, a fridge, जो कि हम सारा shopping करके आए, हमने सब कुछ भर दिया है इसके अंदर, here, and this is our living room, and this is sofas and couches, and LED, सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं, and this is the balcony. Then again, drawers and cabinets, a Roman numeral clock, and this is the room, bed, one more cabinet, vacuum cleaner, which I don't think we need, one more bathroom, like here we have bathtub, yes sir, so spacious bathroom, hello internet once again. तो बस यही हमारा आज का व्लॉग, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप लोग अपार्टमेंट रेंट करें रेदर देन टेकिंग अ होटल, क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं अगर आप यहाँ पे। बाकी आज शाम को प्लान है, पाम जुमेरा जाएंगे एंड बुर्ज खलीफा में लाइट शो हो सकता है क्योंकि आज दशहरा है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज सायोनारा, बाय।